ओनाहिते अभी अपने सब पर आरोप लग रहा है समाज से भी और वही पक्ष से कि अपने सब जबरदस्ती आंदोलन कैले और पूरा हॉस्पिटल के बंद कैले, जैसे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है अपने के बीमारी के बाहरों से पर की कर। पहले बात अपने के की कह साहब निवेदन कर साहब समाज से भी ओकरा के हद्दे नहीं करे। विजय सिंह एंड विजय सिंह के कंपनी जो है नरेश सिंह अभी बाहे का आदमी यहाँ जाकर सब अभी जनकपुर में भुंसा जिला में कतु अहाँ पूछब कोनो समाज से भी बात के जैसे सबके पक्ष में ना संपूर्ण समाज से भी संपूर्ण संघ संस्था संपूर्ण राजनीतिक पार्टी हमरा सब के आंदोलन के पक्ष में सब पक्ष में। दोसर बात अपने के अनुरोध कर चाहब कि हम सब जैसे तालाबंदी के लिए प्रशासन में कैला तालाबंदी के लिए कि प्रशासन घोटाला कैने है भ्रष्टाचार कैने है। अच्छा, अब भ्रष्टाचार कैने है हम सब आंदोलन करते रहे एनहर धरना देने रहे तो सब कागज मिले थे ते दुआरे कागज मिलाव नहीं सकेगू गलत जे कहने तक सचियाव नहीं सके ते दुआरे प्रशासन में ताला मार तो हॉस्पिटल में ताला मार से कहाँ से बात कहल सुनल जाओ तब ताला जखन के मारलिए तो ताला मारला के बाद में सब ताला तोड़ कर जैसे फिर से बदमाशी सब बदमाशी करे लगले सेवाग्राही सब के बीच में जैसे आतंक मचाव लगले तो हम सब फेरो अनुरोध के लिए प्रशासन के कि जाले मतलब प्रशासन में ताला मारने के लिए हमसब एक नहीं लगाए तो हम सब ये सब छोड़ा वाला नहीं थी। अच्छा, तब प्रशासन अपने से पुनः ताला मार दे ताला मारला के बाद में विजय सिंह के गुंडा एगो यह है दीपेंद्र सिंह आ एक जैसे मेडिकल डायरेक्टर है जो गलत तरीका से ओकरा जैसे मेडिकल डायरेक्टर के जैसे नीति विधान विपरीत काम करेला रखने है दूटा से आदमी सब कथी कल के बदमाशी कर लगे यहाँ के की कल के सेवाग्राही के सुविधा जैसे बंद कर लगे रसीदे कटनाइ बंद कर दी तो रसीद कटनाइ बंद कर दी तो हमसे सबके कहलिए कि हमसब तो प्रशासन में मात्र ताला लगे लिए धरना दी आ सेवाग्राही लेकिन सर एगो बात और बता अभी सामाजिक संजाल में आ रहा है कि जो डायरेक्टर के जो बात करते वहाँ का आदमी तो उनका हतापाही कल के डायरेक्टर एकदम बात है एकदम गलत बात है वह बारे में हम अपने के कहे छे वो जब खून के हम सब कहलिए कि अहाँ सब जैसे डॉक्टर अमित के बोर्ड लागल है संतोष शाह के बोर्ड लागल है हम सब सेवाग्राही के जो बंद नहीं करे छे तो अहाँ लग डॉक्टर जम्मा चार गो है एक बोहरा है एक अमित है एक संतोष है आ एक जैसे रंजू ठाकुर है तो ये चार आदमी में तीन आदमी के हटाइए देने तो हटा देने तो ओकरा पत्र दिए पड़े ना हटा देने आ दोसर डॉक्टर राख पड़े ना आ नहीं हटेने बोर्ड रखने छे अस्पताल में तब अहाँ एक बैठ दी एक सबके काम सुचारू कर बात हम एक मिनट बैस दियो काम कर दियो तो वो जैसे कोठा के चाबी खोल ला तैयार नहीं भेले अहाँ के बोहरा तो बोहरा के हम सब कहली कि जब ओकर रूम नहीं खुजती तो तोरे रूम लगा दी छी तो बाहर हो। अच्छा, तो बाहर हो के संदर्भ में ओकरा जे कहली है तो ये के नागरिक समाज के अगुआ सब सुरेंद्र भंडारी जीवनाथ जी सब हम सब जाकर ओकरा कहली है कि तो निकल तहूँ अभी में से निकल ताला लगा दी छियो आ जे होती से चल बाहर में बात करे छी तो वो जे से अब शब्द के प्रयोग कर सुरेंद्र भंडारी के कल के तो को हो यहाँ हॉस्पिटल में आया मलाई बाहर जाना भन्ने बोहरा कल शब्द देखियो तो को हो यहाँ तो कई बात में जैसे आके पनी की दर से घमसा घमसी भेले धक्का धक्की भेले आरो कोनो बात नहीं भेले हम धक्का धक्की भेले अब सर अपने सब की चाहे छी अब अंतिम में की चाहे छी हम सब एनाहिते होइत रहती से हमरा सबके बाते नहीं हमरा सबके तो सेवाग्राही के ये एकटा प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित संस्था है एक तुरंत जे है से अभी तो प्रतिष्ठा जा रहल है नहीं नहीं जा नहीं रहल है नहीं ऐसे जा नहीं रहल है सुधार के लागी ये काम भरल है तो ऐसे प्रतिष्ठा नहीं जेतै सुधरते तो ऐसे बहुत निमन प्रतिष्ठा जे है के बाद नीक होय के संभावना है नीक होय के संभावना प्रबल संभावना की कहलाय चाहबे तो हम ये कह चाहब कि एकरा अखन तत्काल हमरा सबके जे प्रेस विज्ञप्ति मार्फत हम सब जुड़ू के लिए बॉटम लाइन हमरा सबके कथी है रेड क्रॉस के सदस्यता खोलक चाहिए रेड क्रॉस के गलत तरीका से संचालन के नहीं कमिटी के विघटन हुआ चाहिए रेड क्रॉस सदस्यता नहीं दे रहा है नहीं दे रहा है। अच्छा, विधान बमोजिम सदस्यता आम नागरिक लिए पैसे लेकिन उधर नहीं रहा है तरह कमिटी बनाकर रेड क्रॉस बनबो आ तकर बाद रेड का संचालन करो आ रेड क्रॉस से संचालित आँखा अस्पताल है ये कर्मचारी सबके गलत तरीका से दक्ष जनशक्ति सबके चिकित्सक के हटेने तत्काल ओकरा सबके जे से पुनर्वाही करो आ संतोष साह लगात के तलब जो बाकी रखने है वही ब्लड बैंक के कर्मचारी सबके तलब
बाकी रखने ओकरा सबके तलब तुरंत दक पुनर्वाही कर काम शुरू करो आ रेड क्रॉस आखा अस्पताल में जो भ्रष्टाचारी भले सब विज्ञ सबके वो सब संसदीय समिति ये प्रदेश सरकार के संसद मधे सरकार है ना मधे संसद है ना वही संसदीय समिति एक बनाकर एक जैसे व्यापक भ्रष्टाचारी भले तेरा जैसे भी भ्रष्टाचारी के छानबीन क जे जे भ्रष्टाचारी कने है ते सब भ्रष्टाचारी के जैसे कानूनी कार्रवाई भर जैसे समस्या के समाधान करूँ से हमारे चलो धन्यवाद देखा लिए अपने सब कि इनकर सबके जे पक्ष जे अभी अल कि वास्तविक में हम सब सेवाग्राही अब उनका तकलीफ नहीं दी लेकिन जे अठाम समस्या है उस समस्या समाधान हो के चाहिए और आब वाला समय में ये हॉस्पिटल और निक से चल चाहिए से इनका कहना।